भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की भी अंदरूनी मिलीभगत है, हमारा 500 साल पुराना ऐतिहासिक संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ दिया। क्या मंदिर तोड़ने की इतनी जल्दी थी? अगर मान लो अदालत से निर्णय आ भी गया था, उसके भी तरीके होते हैं। समाज की एक भावना जुड़ी हुई है हमारे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के साथ। मंदिर तोड़ना इतना ज़रूरी तो नहीं था, चेतावनी दे सकते थे और कोई उसमें रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते थे, लेकिन ये लोग तो बुलडोज़र और जो JCB ले गए वहाँ पर पहुँच गए और इतनी बुरी तरह से उस मंदिर को ध्वस्त किया। हमारी भावनाओं को कुचल दिया, मंदिर को क्या कुचला है, हमारी भावनाओं को कुचल दिया है। और ये दरअसल ये लड़ाई मंदिर को तोड़ने की नहीं है, ये लड़ाई जो दबा कुचला समाज है, आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक समाज है, उनके हौसले को पस्त करने की लड़ाई है। किस तरह इनको मिट्टी में मिलाएं, किस तरह इनके हौसले को तोड़ें, हैं? तो प्रयास ये है इस चीज़ का। और लेकिन हम जो है इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। हमारा पूरा प्रयास है, हम पूरे संपूर्ण दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज को जोड़कर जगह जगह अपनी सत्ताएं काम करने के लिए प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। तो दिल्ली चुनाव के लिए ये कहा जा सकता है कि रणनीति कुल मिलाकर तैयार है, आप दिल्ली चुनाव में उतरेंगे? दिल्ली की 70 माह में चुनाव है दिल्ली के। हाँ, दिल्ली की 70 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर ये तीनों गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इन्हीं ही वर्गों में से एक किसी भी एक योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। विशेष मुद्दा क्या रहेगा दिल्ली चुनाव में? दिल्ली के तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। दिल्ली के तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि जो 80% गरीब जनता दिल्ली की, जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में, जो तथाकथित अवैध बस्तियों में रह रही है, वहाँ पर आज भी खुली नाले चल रहे हैं, मच्छरों की भरमार है, कोई गलियाँ नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कोई साफ सुथरा पीने का पानी नहीं है। ये जो हमारे नाटकबाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो मर्जी दावा करते रहे, लेकिन दिल्ली की 80% जनता इस समय नारकीय जीवन जीने पे मजबूर है। उनके पास कोई भी विश्व स्तरीय जन सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उनके जीवन में नहीं है और ना ही इनका कोई इरादा है इस समाज को इस तरह की सुविधाएं देने का। दिल्ली के प्रदूषण तो आपको पता है, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।